नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन धरती पर माँ गंगा का आगमन हुआ था। साल 2024 में गंगा सप्तमी 14 मई दिन मंगलवार को है। ये दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस बार इस तिथि पर 7 साल बाद पुण्य नक्षत्र और प्रवर्धमान योग बन रहा है, जिस वजह से यह दिन और भी खास बन गया है। इस दिन पवित्र घाटों पर माँ गंगा की पूजा और आरती होगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और पूजन से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और अमृत फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गंगा के पवित्र जल से विशेष उपायों को करना चमत्कार से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गंगा सप्तमी के दिन गंगा जल के कौन से उपाय करें, तो आइए जानते हैं। आजकल बहुत से शादी योग्य जातकों की शादी में कोई न कोई विलंब पड़ जाता है। समय पर शादी न होने पर युवा परेशान रहते हैं। तो अगर आपकी भी शादी की बात नहीं बन रही है तो गंगा सप्तमी का दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। इस दिन आप भोलेनाथ और माँ गंगा की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं और मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जल में 5 बेलपत्र डालें। इस गंगा जल से भगवान शिव का विधि विधान से जल अभिषेक करें, माँ गंगा की भी पूजा करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ और माँ गंगा दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके विवाह के योग्य बनने लगते हैं। अगला उपाय है, अगर आप बार बार किसी काम में असफल हो रहे हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में दूध डालें, माँ गंगा के मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करें, गंगा के किनारे कपूर का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से माँ गंगा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ गंगा तीनों लोकों में बहती हैं, इसलिए उन्हें त्रिपत गामिनी कहा जाता है, स्वर्ग में मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहा जाता है। पृथ्वीलोक पर माँ गंगा या जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। गंगा जल का प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अनुष्ठानों व संस्कारों में जरूरी माना गया है। ऐसे में गंगा सप्तमी के दिन यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान जरूर करें। यदि गंगा नदी तक नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।